नमस्कार दोस्तों, यदि आप 11th और 12th में यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, सो आई एम हियर विथ अ वेरी वेरी ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू दैट यू कैन ऑप्ट अप्लाइड मैथ्स आल्सो। अप्लाइड मैथ्स यदि आप चूज़ करते हैं, आप जैसे जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें मैथ्स भी है, उसमें आपका CS भी है, PE भी है, लेकिन यदि आपने मान लीजिए अप्लाइड मैथ्स चूज़ किया आपने, तो अप्लाइड मैथ्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आप हो सकता है इन द फ्यूचर आप कोई बैंक के लिए एग्ज़ाम देंगे, या आप क्लैट के लिए एग्ज़ाम देंगे, या आप हो सकता है कैट की एग्ज़ाम दें, या आप कोई यूनिवर्सिटी के लिए जो है आप एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह आप जो दें, तो आप इन सारे एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सभी एग्ज़ाम के जो मैथ्स वाला पोर्शन जो है उसका यदि आप सिलेबस देखेंगे और जो आप अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस मैच करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों का सिलेबस जो है लगभग लगभग जो है वो सेम ही है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप एक काम कीजिए, IBPS POI IPBS क्लर्क का जो है आप मैथ्स का सिलेबस देखना और अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस देखना, जैसे उसमें भी अलजेब्रा मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, उसमें भी आपको कमर्शियल मैथ्स मिलेगा, इसमें भी आपको कमर्शियल मैथ्स वाले चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो जो कि आमतौर पर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही वाले टॉपिक जो है अप्लाइड मैथ्स में भी दिए हुए हैं। तो यदि आप 11th क्लास में अभी आप एडमिशन ले रहे हैं और यदि आप अप्लाइड मैथ्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये तो बात तय है कि आपको इन द फ्यूचर कोई ना कोई तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही है या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट करना ही है, तो आपकी तैयारी जो है वो 11th और 12th के टाइम पर ही हो जाएगी। ठीक, तो ये छोटा सा मैसेज था लेकिन बड़े काम की चीज़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ कि अप्लाइड मैथ्स एक बहुत ही जो है यूज़फुल सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है। आप इसके लिए एक काम करें कि आप जो है इसका वेबसाइट पर जो है आप चेक करें इसका सिलेबस क्या है और जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं है ना जो आप दे सकते हैं, तो वो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का आप सिलेबस देखेंगे, मैथ्स का सिलेबस देखेंगे आप, तो वो बहुत कुछ मैच आपको देखने को मिलेगा, तो यानी कि आपकी 2 साल में अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक, फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।